हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, बिहाइंड अनसीजनल रेन एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन गुजरात, तो क्या रीज़न है? चलिए देखते हैं। अनसीजनल हैवी रेन फॉल अकम्पेन बाय थंडरस्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग स्ट्राइक क्लेम 27 लाइफ इन गुजरात बाय मंडे। वेदर ऑफिशियल एड इनफ वार्निंग वॉज गिवन अबाउट द लाइटनिंग स्ट्राइक। द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइंड मोर फॉर अर्थक्वेक्स एंड हैवी रेनफॉल, नॉट एज मच फॉर लाइटनिंग विच एनुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू मैनी डेथ अक्रॉस इंडिया। वॉट एक्सप्लेन्स द वेदर इवेंट्स? तो ये अचानक से ऐसे इवेंट्स क्यों हो गए, क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज एट्रीब्यूटेड द रेन एंड द लाइटनिंग फ्लैशेज टू थ्री वेदर सिस्टम, साइक्लोनिक सर्कुलेशंस ओवर द नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एंड एडजॉइनिंग सौराष्ट्र एंड कच्छ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एंड ईस्टर्ली ट्रो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर स्ट्रॉम्स दैट ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड मे ब्रिंग रेनफॉल टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द विंटर। इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो इंडिया के मेडिटेरेनियन सी से इंडिया में आता है। इसको टेम्परेट साइक्लोन भी बोला जाता है, ये ओरिजिनेट होता है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसको बोला जाता है। On the other hand, easterly winds flow from east in the equatorial region throughout the year. Manorama Mohanty, IMD regional director, told the Indian Express, "Sunday's weather phenomena was due to three system of western disturbance over Pakistan, including cyclonic circulations over Pakistan and Rajasthan, and upper air trough in the easterlies from southwest Arabian Sea." टू नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी, इंडिया है यहाँ पे, अरेबियन सी है, साउथ वेस्ट अरेबियन सी, साउथ का वेस्ट, यहाँ से एक तो ये बात हो गई, और अब देखिए एक हो रहा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट इस डायरेक्शन में, मतलब इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे। शी एडेड द डेवलपमेंट ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम इज नॉट अनकॉमन। अतुल कुमार वर्मा, ग्रुप डायरेक्टर ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेस एंड एप्लीकेशन ग्रुप एट इसरोज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC इन अहमदाबाद, सेड इन दिस सीजन वी हैव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पासिंग ओवर द नॉर्दर्न पार्ट एवरी ईयर। वही नॉर्थ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हर साल आते हैं, जनरली डिसेंडिंग टुवर्ड्स द लोअर लैटिट्यूड्स, दिस यूजुअली ब्रिंग्स स्नोफॉल ओवर द हिमालय रीजन, बट समटाइम्स व्हेन द स्ट्रेंथ of this disturbance is more, it may bring rainfall in southern latitude areas, say Gujarat or Madhya Pradesh. This time it was passing western disturbance moving from west to east, forming somewhere near the Mediterranean Sea. This disturbance has passed over the Gujarat region and is now over Madhya Pradesh. तो गुजरात से आके यह मध्य प्रदेश के ऊपर यह डिस्टर्बेंस है आपका। Why the lightning strikes? तो ये lightning strike होता क्यों है वैसे, क्या reason है? According to the Mohanty, there are two reasons for lightning strikes. She said, whenever there is an interaction between any system and western disturbance, it leads to lightning. Also, the first spell of activity after a long dry period leads to connective activity, which results in lightning. This was the case on Sunday. Verma said that the thunderstorm can also be explained by the presence of more moisture interacting with the western disturbance this time. Were warning issued? Kya department warning de diya tha ki aisa kuch hone wala hai? The Gujarat State Disaster Management Authority was set up immediately after the 2001 earthquake. It was to act as a nodal agency to plan and implement pre-disaster preparedness and mitigation activities. ये आपका वही गुजरात वाला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी CEO अनुपम आनंद टोल द इंडियन एक्सप्रेस, देर आर डिफरेंट प्री वार्निंग मैकेनिज्म इन ईच डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट हैवी रेनफॉल एंड अर्थक्वेक, मैकेनिज्म टू डिसिमिनेट दैट टू, सच अ मैकेनिज्म फॉर लाइटिंग इज नॉट इन प्लेस। Mohanty, however, said the IMD has issued specific warning for lightning well in advance. तो अब देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमारे लिए क्या क्या, ऐसा आर्टिकल तो पूरा इम्पोर्टेंट है। देखिए,
साफ इसमें बात हो रही है। सबसे पहले ये इंडिया है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पे मानिए अरेबियन सी है, और यहाँ पे ऐसे चीज़ें गई हैं। वहाँ पे कौन है, मैं उधर में मेडिटेरेनियन सी इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको और उधर में ले लो। हाँ वैसे यही है, इसको हम लोग मानते हैं तो ठीक है, कोने में उसको मान लो। अब क्या हो रहा है, यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, ठीक है। अगर ये अपर लेटिट्यूड्स में होता है तो हिमालय में स्नोफॉल होता है, नीचे में आपके रेनफॉल होता है, ये हर साल होता है, और यहाँ पे रेनफॉल होता है। बताया जा रहा है कि गुजरात से शिफ्ट होकर अब ये मध्य प्रदेश में चला गया है रेनफॉल। चलिए ये तो एक चीज़ हो गई आपकी। दूसरी चीज़, मेडिटेरेनियन में ओरिजिनेट होता है। और तीसरा, यहाँ पे अरेबियन सी के अपने यहाँ पे जो वेदर है उसके वजह से आपने देखा साउथ वेस्ट में जो आपका ये कॉर्नर हो जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में जो कि ये कॉर्नर हो जाता है, यहाँ की अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला स्टेट जो ऐसा है ये गुजरात है, बीच में यहाँ पे मध्य प्रदेश आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये सारे रीजन्स जानने होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, फिनोमिना, लाइटनिंग, ठीक है, वार्निंग्स, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और उसके बाद से लोकेशन हमारे दिमाग में, हम लोग अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो लोकेशन पहले आ जानी चाहिए, अच्छा ये इसके वजह से हुआ है। तो इसमें हमारा क्या कंक्लूज़न हो रह सकता है कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो आपके स्टेट लेवल पर है, उनके पास अर्थक्वेक के लिए और रेनफॉल के लिए इशू करने के लिए उन लोग के पास डायरेक्शंस हैं, और उन लोगों को ये लोग पहचान सकते हैं अर्थक्वेक और हैवी रेनफॉल को, ठीक है। पर लाइटनिंग के लिए एज सच इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये पहचाने कि ज़्यादा होगा कम होगा, और उसके बिहाफ पे हम लोग को पहले से बताया जाए और प्रिपेयर रखा जाए। तो ये चीज़ एक तो हमें करनी पड़ेगी ठीक अपनी, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास। और दूसरा हम लोग देखते हैं ये एटमॉस्फेरिक और ओशनिक साइंसेस, ये सब तो ठीक है, ये इन लोगों के हैं, और समवेयर मध्य प्रदेश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यही है, इंट्रैक्शन ऑफ एनी सिस्टम यही है, बस इसमें इतना ही था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे ही मेन हमें ध्यान देना है, और यहाँ पे तीन बताया गया, पर तीनों आपका साइक्लोन, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन आते हैं, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, वही टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे कैरी करते हैं ऊपर जेट्स के थ्रू, ठीक है, और वो जेट्स के थ्रू यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे इंडिया में उसका इफेक्ट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हर साल होता है, हर साल होता है, एवरी ईयर फिनोमिना, बस इतना ही था। थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।